हे दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू कनेक्ट प्राइवेट सबनेट रिसोर्स यूजिंग बाय पब्लिक सबनेट रिसोर्स। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि दो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, विंडोज़ इंस्टेंस। तो एक क्रिएट करेंगे ऑन पब्लिक पब्लिक सबनेट पे और एक क्रिएट करेंगे प्राइवेट सबनेट पे। तो उसके लिए हम लोग एक कस्टम VPC भी तैयार करेंगे। उसके लिए सिंपली 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो उसके लिए कस्टम VPC क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमारा सीडर दिया हुआ है यहाँ पर डिटेल्स में। तो ये मैंने इजी वे में करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बेसिक ओवरव्यू दे मैं दे दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग एक रीजन रीजन रहेगा, रीजन में एक VPC रहेगा, कस्टम VPC रहेगा। उसके अंदर दो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक पब्लिक सबनेट रहेगा और एक प्राइवेट सबनेट रहेगा। और दोनों पब्लिक सबनेट में एक EC2 इंस्टेंस रहेगा और प्राइवेट सबनेट में आपका एक EC2 इंस्टेंस रहेगा। दोनों ही विंडोज़ EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने करेंगे हम लोग। और पब्लिक इसको प्राइवेट इस पब्लिक सबनेट बनाने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग को एक इंटरनेट गेटवे का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसको भी हम लोग क्रिएट करेंगे और फिर उसको एक्सेस करेंगे। चलिए तो उसको लाइव देखेंगे कैसे। और जैसे कि आपका सिस्टम, इसके अंदर एक और सिस्टम बनेगा और फिर एक और सिस्टम बन जाएगा, मतलब 3 सिस्टम्स बनने जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने होने वाला है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग VPC क्रिएट कर लेते हैं। साइन इन खोज रहा है। चलिए साइन इन कर लिया। ये हमारा हैदराबाद लोकेशन है, जैसा कि जानते हैं। मैं मुंबई भी एक्टिवेट हो गया, हैदराबाद भी है हम लोग का। VPC साउथ 2 हम लोग सेलेक्ट कर लिए। VPC क्रिएट VPC। चलिए VPC नेम दे देते हैं, क्या नेम था वहाँ पे, सेम ही नेम प्रिंट करते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद आपका सीडर, तो सीडर जो है आपका उठा के यहाँ पर डाल दीजिए आप, पेस्ट। ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जो कस्टम VPC, ये आपके कस्टम VPC क्रिएट हो गए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम VPC। ठीक है, तो ये आपका डिफॉल्ट डिफॉल्ट एक रहेगा, ही रहता है ये। चलिए अब दो सबनेट क्रिएट करेंगे। तो इसमें डिफॉल्ट 3 सबनेट पहले से ही है। हम लोग दो सबनेट प्राइवेट और पब्लिक क्रिएट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कस्टम VPC, जो हमने खुद अभी जस्ट तैयार किया था, प्रिपेयर किए थे। अब यहाँ पर नाम देना है, तो नाम क्या है, प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट। चलिए लिख देते हैं प्राइवेट सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन आप कौन सा देना चाहते हैं, इसके लिए मैं दे रहा हूँ ए। ठीक है, प्राइवेट सबनेट के लिए। और इसका सीडर है यहाँ पर, सीडर रेंज डाल दे रहा हूँ मैं। ये तो आपका VPC का यहाँ पे जाएगा, तो दिस 72.4। ओके, तो अब इसके लिए मैं फिर ये प्राइवेट सबनेट हो गया और एक सबनेट ऐड कर दे रहा हूँ, पब्लिक सबनेट। ओके, अब यहाँ पर हमको दूसरा, ये मैं दूसरा अवेलेबिलिटी जोन ले रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर AP साउथ 2A लिया था प्राइवेट के लिए, पब्लिक के लिए AP साउथ 2B, याद रखिए आप। तो यहाँ पर मैं वो सीडर डाल रहा हूँ, तो सीडर आ गया हमारा 1012। ओके, चलिए तो प्राइवेट सबनेट आ गया ये, सॉरी पब्लिक सबनेट, दो सबनेट क्रिएट हो जाएंगे। ओके, चलिए इसको क्रिएट होने दीजिए। तो ये हो गया हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, अभी एक्चुअली दोनों ही प्राइवेट सबनेट हैं। ओके, सिर्फ नाम दे देने से थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए तो हमको एक को प्राइवेट को, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है VPC के अंदर, जब भी कोई सबनेट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सबनेट ही बनता है। तो अब एक को हमको क्या करना है, पब्लिक सबनेट बनाना है। तो पब्लिक सबनेट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग को इंटरनेट गेटवे का हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि एक नेटवर्क का एक पार्ट है, डिवाइस है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इंटरनेट गेटवे का एक क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही लिखा हुआ है इंटरनेट गेटवे, तो पब्लिक इंटरनेट गेटवे लिख डालते हैं, इंटरनेट गेटवे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है।
क्रिएट करिए, क्रिएट हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले अटैच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, जो ऊपर वाला देखिए अटैच है ना, और ये भी क्या डिटैच है, किसी से अटैच नहीं है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। जिससे जिस सबनेट से अटैच करेंगे वो क्या हो जाएगा, पब्लिक सबनेट हो जाएगा। अभी जैसे कि सबनेट में आपका दोनों ही, ये प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट दोनों ही अभी प्राइवेट ही है। जैसे हम इसको अटैच करेंगे तब ये हो जाएगा पब्लिक। तो चलिए अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद हमको वही ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन भी ऐड करना पड़ेगा, तब पब्लिक होगा। तो यहाँ से हम लोग एक्शन में जाते हैं, यहाँ अटैच टू बीपीसी करेंगे। ओके, तो ये अटैच हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक इंटरनेट गेटवे नाम से बनाए थे, और ये किससे अटैच हो गया, कस्टम बीपीसी से। अब इससे अटैच करने के बाद अब जो हम लोग, अब क्या होगा कि अब कोई भी जो एक्सटर्नल ट्रैफिक जो आएगा वो इसके थ्रू वो सबनेट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। बट अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राउटर टेबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। ओके, तो अभी बाई डिफॉल्ट हम लोग के पास राउटर टेबल दो है, क्योंकि दो बीपीसी है, हर एक बीपीसी के लिए एक बाई डिफॉल्ट राउटर टेबल आता है। हम लोगों ने कस्टम बीपीसी जो बनाए थे उसके लिए भी एक डिफॉल्ट आ गया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, एक राउटर टेबल बनाना है। चलिए क्रिएट करते हैं राउटर टेबल, का नाम क्या डाल दें, पब्लिक आरटी। ओके, पब्लिक आरटी, यहाँ पर बीपीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टम बीपीसी सेलेक्ट कर लिए और ये क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये आ गया हमारा राउटर टेबल बन के तैयार हो गया। देखिए इसमें डिफ़ॉल्ट मेन मेन का मतलब है ये दोनों यस यस तो डिफ़ॉल्ट है, ये नो नो का मतलब ये हम लोग खुद से क्रिएट किए हैं। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं राउट्स, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबनेट पहले इसमें डालना पड़ेगा कौन सा सबनेट को आप पब्लिक बनाना चाहते हैं। तो एडिट मारिए, तो पब्लिक को हम लोग बनाना चाहते हैं, ऐड कर देंगे इसमें सेव एसोसिएशन। ठीक है, तो ये इसमें ये देखिए, ये सेव करेंगे तो ये दिखेगा इसमें सबनेट पब्लिक सबनेट एक ऐड हो गया। ओके, एज में कुछ नहीं करना है, इधर भी कुछ नहीं करना है। अब जैसे ये राउट है, तो राउट में हमको क्या करना पड़ेगा, एडिट राउट करना है, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्या, अभी क्या है, अभी क्या है, लोकल है, तो इसमें हमारा एक्सटर्नल ट्रैफिक कैसे आएगा। तो उसके लिए हम लोग को एक एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए ये होता है सीडर उसका, और यहाँ पर आप इसमें इंटरनेट गेटवे जो आप बनाए हैं वो डालिए, और यहाँ पर ये यह अपने आप ही वो फेच कर लेंगे। तो ये आपको ऐड करने पड़ेंगे उसको कम्प्लीटली पब्लिक बनाने के लिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा सबनेट एसोसिएशन भी हो गया, इसमें राउट भी हो गया, देखिए 0.0 हो गया, ये इंटरनेट गेटवे इसमें ऐड हो गया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया कम्प्लीटली इंटरनेट गेटवे पब्लिक गेटवे। ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग का इधर का सारा काम हो गया है। तब हम लोग बढ़ेंगे क्या, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। राउट टेबल भी हम लोग डिफाइन कर दिए, पब्लिक आरटी, ये सीडर भी डिफाइन कर दिया, इंटरनेट गेटवे भी ऐड कर दिए। तो अब चलते हैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। अरे ओके, तो चलिए लॉन्च करते हैं हैदराबाद रीजन में ही। तो पहला विंडोज़ प्राइवेट प्राइवेट विंडो। ओके, तो ये आपका विंडोज़ है, तो माइक्रोसॉफ्ट हम ले लिए, फ्री टायर वाला ले लेंगे, क्योंकि दूसरा लेंगे तो उसमें फिर चार्जेस कटेंगे। T3 माइक्रो है, तो हम लोग को T2 नैनो लेना है एक्चुअली, T2.MIC और माइक्रो, क्योंकि T3 माइक्रो भी शो कर रहा है एलिजिबल। ठीक है, चलिए कोई नहीं, जैसे बेसिकली हम लोग T2 माइक्रो लेते हैं। चलिए T3 माइक्रो दिखा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टायर एलिजिबल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका दे देते हैं हम लोग प्राइवेट की। तो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा फॉलो करना है ताकि दिक्कत ना हो, पेम फाइल है आधे से। चलिए क्रिएट करते हैं, इसका यूज़ करेंगे जब हम लोग कनेक्ट करने लगेंगे तो। ठीक है, ठीक है, की पेयर में सेव कर लेते हैं, सेव। चलिए वो सेव हो गया।
सेव हो गया ना, की पेयर, ठीक है यहाँ पर सेव है। अब हम लोग क्या करेंगे, की पेयर हो गया, अब नेटवर्क सेटिंग इसमें डालना पड़ेगा EC2 के लिए, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। और ये सब एक्चुअली आपको नहीं पता है कि ये सब कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लोर और एक्सप्लोर करूँगा। तो फिलहाल मैं इसमें अपना VPC डाल दे रहा हूँ, कस्टम VPC। और ये आपका सबनेट, सबनेट कौन सा चाहिए हमको, प्राइवेट, चूँकि हमका विंडोज़ कौन सा है, विंडोज़ है मेरा प्राइवेट विंडोज़, पूरा लिख के डालता हूँ विंडोज़। ओके, तो ये आपका हो गया विंडोज़, कहाँ गया, प्राइवेट सबनेट भी ले लिए, सेलेक्ट कर लिए प्राइवेट सबनेट। अब देखिए ऑटो असाइन पब्लिक IP डिजेबल रहेगा क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इसका। अब सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप का कुछ चेंजेस नहीं है। चलिए अब हम इसको 30, यहाँ पर देखो कन्फिगर स्टोरेज, स्टोरेज अगर आपको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 33 कर दिया, ठीक है, प्राइवेट के लिए 33 याद रखिएगा। लॉन्च, तो ये लॉन्च हो रहा है, चलिए फिर तब तक हम कोई और दूसरा लॉन्च करते हैं, एक और लॉन्च करेंगे इंस्टेंस लॉन्च पब्लिक, पब्लिक के लिए पब्लिक विंडोज, ये सेलेक्ट कर लिए, विंडोज सेलेक्ट कर लीजिए, T22 है, यहाँ भी T3 माइक्रो आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पर हम इसको प्राइवेट की सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नेटवर्क, नेटवर्क में आ जाइए, आपका कस्टम VPC रहेगा। अब ये पब्लिक बना रहे हैं तो पब्लिक, पब्लिक विंडोज़ है, राइट, पब्लिक विंडोज़ है, तो ठीक है। एप्लीकेशन इसमें क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा SNIP को, क्योंकि इसको पब्लिक के IP के थ्रू ही एक्सेस करेंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, और इसको कर दे रहा हूँ मैं 35, ठीक है, आपको वहाँ दिखेगा सी ड्राइव जो बनेगा वो 35 GB का बनेगा। चलिए इसको हम लॉन्च करते हैं, इंस्टेंस में जाते हैं, डैशबोर्ड, इंस्टेंस रनिंग, तो यहाँ पर रन हो रहा है, तो ये आपका प्राइवेट है, तो इसका देखिए डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, तो ये सारा डिटेल्स है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों रनिंग स्टेट में आ गया, तो मैं वेट कर रहा था बस आपका टाइम बचाने के लिए। तो चलिए बिना वेट किए पब्लिक इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो ये पब्लिक IP एड्रेस को यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, ये RDP ओपन किया, कनेक्शन कनेक्ट, अब यहाँ पर डालना पड़ेगा कैसे कनेक्ट करना है, तो ये गया कनेक्ट में गए, RDP क्लाइंट, इसका पासवर्ड देना पड़ेगा, तो ये यहाँ से हम लोग को, ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि यहाँ मैंने पहले से लिख के रखा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर आप इसका इसमें नहीं जाएगा, मोर चॉइस में जाइए, यूज़र डिफरेंट अकाउंट, पेस्ट ऑफ पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, गेट पासवर्ड करिए, गेट अपलोड योर प्राइवेट की फाइल जो था आपका कहाँ पर था, दिस डी रिपेयर ये वाला है, ठीक है, तो ये इसमें देखिए यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया सारा, इसको डिक्रिप्ट कर दीजिए, तो ये देखिए पासवर्ड आपको मिल गया, यहाँ पर कॉपी करिए, तो इस तरह से RDP क्लाइंट में आकर के आप पासवर्ड जनरेट करके ये कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने में, चलिए देखते हैं कितना टाइम लेता है, ये देखिए खुल रहा है, ठीक है, आपके सामने ये सारा कुछ हो रहा है लाइव, ये मैं इसे कर दूंगा तो ये हो जाएगा, इस ये इस तरह से खुलता है। जब भी आप विंडोज़ EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, दूसरा इंस्टेंस कनेक्ट करना है वहाँ से उसके अंदर से, तो इंस्टेंस पे जाते हैं, यहाँ पे मेरा हमारा कितना इंस्टेंस, अब ये प्राइवेट इंस्टेंस है, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा,
देखिए प्राइवेट इंस्टेंट में तो प्राइवेट इंस्टेंट रहेगा तो इसका पब्लिक का कोई मतलब ही नहीं है था, इसलिए नहीं जनरेट हुआ है। तो यहाँ से ले लेंगे इसको ओपन, तो यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन हो गया है, थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए आपको आईपी एड्रेस मिला के दिखाता हूँ मैं आपको, इसका जो पब्लिक का जो विंडोज़ का कितना है, 1860 50 254। ठीक है, 1860 50 254। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे आईकॉर आरडीपी में, यहाँ से खोलेंगे इसके अंदर, ये एक वर्चुअल मशीन बन गया। अब इसके अंदर एक और वर्चुअल मशीन हो जाएगा जो कि प्राइवेट को कनेक्ट करेगा, प्राइवेट ईसी टू इंस्टेंस को। इसको बेसिकली हम लोग आई स्टेशन बोलते हैं या फिर जंप बॉक्स। कॉपी कर लीजिए, तो वहाँ से आईपी एड्रेस को उठाना पड़ेगा, ये आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट ये आ गया, तो प्राइवेट कॉपी कर लेते हैं 48 148। यहाँ पर आइए, पेस्ट कर दीजिए या आप कनेक्ट करिए। ठीक है, जैसे आप कनेक्ट करेंगे देखिए क्या होता है। ये देखिए आ गया सेम ही कॉम एड एम आई एन आई एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम और पासवर्ड, वहाँ से फिर से उठाना है। तो प्राइवेट में कनेक्टेड है ये, प्राइवेट में चेक चेक बॉक्स के क्लिक है, तो फिर यहाँ से कनेक्ट में जाइए, फिर यहाँ आरडीपी क्लाइंट में आइए। तो यहाँ भी सेम ही एडमिनिस्ट्रेटर, अब इसका फिर से पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो अपलोड सेम ही हम लोग यूज़ किए थे प्राइवेट की पेम, तो यहाँ पर ये आ गया डिक्रिप्ट पासवर्ड, तो यहाँ पर ये पासवर्ड आ गया, पासवर्ड कॉपी हो गया। फिर इसके अंदर गए, यहाँ पर गए पेस्ट, अब ये ओके कर दीजिए, यस। अभी देखिए जादू फिर से, ये देखिए रीइंस्टॉल हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके। तो आप पासवर्ड जनरेट करने के लिए सीख गए हैं। ठीक है, तो की पेयर तो आप पहले ही जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसी टाइम आपको की पेयर डालने होते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइवेट की का देखिए, यहाँ पर की पेयर असाइन एट लॉन्च लॉन्च टाइम प्राइवेट की डाले थे। तो अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, इसको भी करता हूँ मिनिमाइज, देखिए हो रहा है ना, अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है। और ये रहा आपका आईडी, सॉरी आईपी एड्रेस 1721148। अब जब यहाँ पर आके देखते हैं तो प्राइवेट का कितना है, प्राइवेट का इंस्टेंस समरी में 1721148 देखिए खुल रहा है ना। तो ये आपका खुल जाएगा, कुछ ही थोड़ा टाइम लगेगा, बूटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, और आपको मैं दिखाने वाला था क्या प्राइवेट में आपका क्या है सी ड्राइव का स्पेस, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें पब्लिक में, ये वाला पब्लिक है आपका। तो पब्लिक का जब हम लोग सी ड्राइव खोलते हैं, ये देखिए सी ड्राइव कितना है, 34.935 दिए थे और प्राइवेट का 33 दिए थे। तो चलिए प्राइवेट का देखते हैं, ये रहा प्राइवेट को भी जूम कर दिए, ये गया ये दिस पीसी, देखिए कितना है 32.9 मीन्स 33 करेक्ट। ये आपका इसका हो गया, और फिर जब इसको मारेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये 32.9 है। ओके, और आप इसका 35। ओके, तो आप इसको साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया, ये हो गया करप्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक ईसी टू इंस्टेंस से प्राइवेट ईसी टू इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं सेम बीपीसी में। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं। ओके, वन बाय वन क्लोज कर देते हैं। ओके, यहाँ से इसको भी ओके। अब इसको क्या करना है, रिलीज़ कर देना है। तो रिलीज़ करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले ईसी टू इंस्टेंस को टर्मिनेट करना है। ओके, कभी भी आपको भूल से रन करके नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर बहुत सारे आपको चार्जेस लग सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आइए, टर्मिनेट टर्मिनेट कर दीजिए, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड
इट विल गेट टर्मिनेट। ठीक है, आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं और ये जैसे टर्मिनेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर से जितना VPC बनाए थे, सबनेट बनाए थे, राउट टेबल इंटरनेट गेटवे, ये सब को भी आपको डिलीट कर देना है। आपको यदि इस समय कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके सभी के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको VPC को डिलीट करने के लिए इंटरनेट गेटवे को पहले जो अटैच है वो डायरेक्ट डिलीट कीजिएगा तो नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से डिलीट तो वो बोलेगा पहले डिटैच करने के लिए, क्या बोलता है, अनेबल टू डिलीट इस VPC कैन नॉट डिलीट अंटिल यू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन, तो ये उससे अटैच है इसलिए वो नहीं अलाउ कर रहा है। चलिए अब इंटरनेट गेटवे के पास गएंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको डिटैच करना है, डिटैच फ्रॉम VPC। अभी डिटैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि EC2 इंस्टेंस अभी कम्प्लीटली टर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन ये टर्मिनेट होगा तभी वो डिटैच होगा। एक टर्मिनेट हो गया, ओके चलिए दोनों टर्मिनेट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिटैच करते हैं, ये डिटैच हो गया, अब इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। अच्छा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी गलती से हम लोग डिफ़ॉल्ट को ही डिलीट कर देते हैं, ये सब ध्यान रखना है। डिलीट इंटरनेट गेटवे, यहाँ पर डिलीट लिखिए, डिलीट हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट VPC डिलीट करेंगे तो सारा कोई डिलीट हो जाएगा, सबनेट डिलीट होगा, राउट टेबल डिलीट होगा, सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो जाएगा एक ही बार में। फिर देखिए जब डिलीट VPC करेंगे तो क्या आ रहा है, प्राइवेट राउट पब्लिक राउट टेबल जो बनाए थे वो डिलीट हो रहा है, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट वो डिलीट हो जा रहा है, सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को। चलिए ये भी डिलीट हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर नहीं है, एक ही है डिफ़ॉल्ट वाला। अब यहाँ पर एक बार इसको रीलोड कर दीजिए इस पेज को, ठीक है। VPC एक अवेलेबल है, VPC जो आपका मेन VPC था, सबनेट सबनेट जो आपका 3 था वही है, राउट टेबल डिफ़ॉल्ट राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे डिफ़ॉल्ट, सिक्योरिटी ग्रुप जो आप 2 ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ था वो भी डिलीट हो गया, क्योंकि 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए थे इसलिए 2 क्रिएट हुआ होगा, तो उसके लिए 2 यहाँ पर विजार्ड रहता है, दोनों डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक EC2 इंस्टेंस के थ्रू प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।